सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर झाड़ियों में एक 40 वर्षीय महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव बता दें कि बीती रात को मिला था। मौके पर भारी पुलिस बल समेत एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ महमूदाबाद, सीओ सिधौली व भारी पुलिस बल जो है मौके पहुंची थी। क्या है पूरा मामला, आई इंडिया के संवाददाता रामपुर मथुरा के दुर्गेश मिश्रा तमाम जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं, तो बताएं ये शव किसका था और ये झाड़ियों में कैसे मिला? जी निशांत जी, आपको बता दें ये मामला थाना सदरपुर क्षेत्र का है। जो शव मिला है इसके दो घर बने हुए थे, एक गांव में और एक महमूदाबाद बिश्वा मार्ग पे। तो ये रोजाना की तरह अपने घर पे दीपक जलाने के बाद दूसरे नए घर पर उजाले के लिए दीपक जलाने जाती थी। जानकारी के अनुसार पूरा मामला ये सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैया महिपत सिंह के पट्टी गांव निवासी जानकी, उम्र इसकी 40 वर्ष, पत्नी रामकरण, अपने गांव के दक्षिण में बिश्वा महमूदाबाद मार्ग के समीप बने दूसरे घर में उजाले के लिए दीपक जलाने गई थी। और जी उसके बाद परिजनों ने काफी इंतजार किया कि रोज की भांति जैसे वापस आ जाती है जानकी, वापस आ जाएगी। काफी देर तक जब जानकी वापस नहीं पहुंची तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के बाद थोड़ी देर बाद बीती रात पता चला कि झाड़ियों में शव पड़ा हुआ है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया दुर्गेश और जी ने बताया। जी आनन फानन में सदरपुर एसएचओ अजय रावत सहित भारी बल पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दुर्गेश जी, ये दोनों घरों की दूरी कितनी है? निशांत जी, आपको बता दें दोनों की घरों की दूरी गांव से और जो महमूदाबाद मार्ग पे घर बना हुआ है इसका नया वाला, इन दोनों घरों की दूरी लगभग 400 से 450 मीटर बताई जा रही है। तो ये बीती रात में जो शव मिला है, तो मौके पर कौन कौन उच्च अधिकारी पहुंचे हैं, कौन कौन टीमें पहुंची वहां पर? जी आपको बता दें ये बीती रात में शव मिलने के बाद में एसएचओ सदरपुर सहित थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र की पुलिस और रामपुर कला पुलिस और आप महमूदाबाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उसके साथ में एसपी सुशील घुले चंद्रभान, एसएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, क्षेत्राधिकारी सिधौली यदवेंद्र प्रताप सिंह व सिधौली सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। क्या कोई जो ये शव मिला है, क्या कोई हत्या का आशंका जताई जा रही है आखिरकार, या शव पे कोई चोट के निशान वगैरह है, कुछ पाए गए हैं क्या? जी पुलिस के अनुसार, पुलिस ने जो जानकारी दी है बताया है कि एक अज्ञात नाम पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है जिसमें अज्ञात व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है और गले पर निशान होने की बात पुलिस ने भी स्वीकार की है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि जो निवासी थी जानकी, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, सरैया महिपत सिंह पट्टी गांव के रहने वाले थे। इसके दो आवास थे, जो दूसरे जो बने महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर एक जो घर बना था उसमें दीपक जो है जलाने के लिए रोज की तरह गई थी, लौटी नहीं काफी देर तक। तो परिजनों ने जिस तरह से सोचा कि रोज की बातें आ जाती है वैसे ही आ जाएगी, लेकिन नहीं आने के बाद परिजन उसकी तलाश करने गए, तो तलाश करने के बाद देखा कि उसी मार्ग पर जो है झाड़ियों में उसका शव जो है पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पूरी पुलिस को सूचना दी। मौके पर जो है थाना सदरपुर क्षेत्र की पुलिस, रामपुर कला की जो है पुलिस, और सीओ सिधौली, सीओ महमूदाबाद, एसपी भुले सुशील चंदभान, अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह जो है मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई है, साथ में फॉरेंसिक टीम भी जो है पहुंच गई है। फिलहाल जो बता दें कि जानकी जो है मृतक का जानकी उसके पति रामकरण ने जो है थाने में तहरीर दी है एक अज्ञात के नाम, और हत्या की आशंका जताई है। हत्या की आशंका इसलिए जताई है क्योंकि गले पर जो है वो उसके एक निशान है कि शायद आशंका है कि गला दबाकर जो है उसकी हत्या की गई होगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के कारणों का जो है जो पता चल पाएगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है क्या है। फिलहाल इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी। जी जी, एक पट्टी सरैया गांव है, वहाँ पे जानकारी मिली कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है उसके मकान के बगल में, और इस सूचना पे हमारे एसएचओ सदरपुर, एसएचओ रामपुर कला और सीओ सिधौली, मैं स्वयं कप्तान साहब यहाँ पे आए थे और विधिवत जानकारी हम लोगों ने की और जान छानबीन की गई। जानकारी हुई कि एक महिला जानकी है जिसकी एज लगभग 38 से 40 साल है, उसके 5 बच्चे भी हैं और उनके हस्बैंड भट्टे पे काम करते हैं। आज वो शाम को उनका कहना है कि अपने नए वाले घर पे जो रोड किनारे हैं वहाँ पे दीप जलाने के लिए आई थी और बहुत देर तक घर पे नहीं लौटी। हम लोग यहाँ पे आए तो बगल की बॉडी उसकी मिली है।
ऐसा लग रहा कि उसके गले को दबा के उसकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा कि आपस का ही कोई घर इनके घर परिवार का ही मामला है और लगभग मोटिव सा कुछ कुछ क्लियर हो रहा है इसमें। अभी हम लोग डेड बॉडी इसको भिजवा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, मुकदमा 302 में हम लोग दर्ज कर रहे हैं और छानबीन करके इसमें जो निकटस्थ या जो भी और अन्य मोटिव है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें कार्रवाई करके घटना वर्कआउट करेंगे और मुलजिम को हम लोग जेल भेजेंगे। थैंक यू सर।